नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ में की आई। नजर डालते हैं आज की खबर पे। मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र 11 के धौनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मझौली ब्लॉक के कई जगहों पर कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कई लोग अजय सिंह राहुल भैया के हाथों सदस्यता ली। वहीं राहुल भैया अपने उद्बोधन में लोगों से कहे कि पहले हम अपनी पार्टी के लिए वोट मांग आते थे, लेकिन ऐसा पहली बार मौका मिला है कि हम अपने लिए वोट मांगने आए हैं। और यह भी बोले कि अगर आप लोग इस बार हमें सेवा का अवसर देते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं होने देंगे। वहीं सभा में हर समुदाय के लोगों का अच्छा सहयोग देखने को मिला और सभी में उत्साह भी देखने को मिला। वहीं पूर्व सरकार के व्यापक घोटाले को लेकर सदन से सड़क तक आवाज उठाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल एवं वर्तमान प्रदेश सरकार की चुप्पी पर सवाल भी किया गया। मझौली से हमारे संवाददाता कमलेश्वर सिंह की रिपोर्ट। दमकल घोटाला और व्यापम घोटाला में प्रमुखता से आवाज उठाती जाती है, चाहे सदन में हो चाहे सड़क में हो, लेकिन सरकार बनने के 3 महीने बाद भी सरकार है उस मुद्दे पर एक तो नहीं कह रही है, कुछ चर्चा कर रही है। तो हम मानते हैं कि बैठक की सरकार है या कि फिर सभा में ऐसी बात नहीं आती, क्या होती है? देखिए, प्राथमिकता जी, वचन पत्र जी, किसानों के कर्जा माफ की बात है और जो मुद्दे जिसके आधार पर सरकार बनी वो प्राथमिकता में है, लेकिन ये जो मुद्दे आपने बताए व्यापम के, उसके लिए भी सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूरी तैयारी अंदर अंदर हो रही है कि कार्रवाई उस पर भी सुनिश्चित हो। सीधी जिला में जो सांसद और विधायक द्वारा टैंकर घोटाले के संबंध में आपने नोएडा में बात भी कहा, इसके संबंध में कुछ एक्शन लिया जाएगा? नहीं, एक्शन तो जनता लेगी कि कैसे सांसद या विधायक मत का दुरुपयोग हो रहा है। वो हकीकत यदि जनता जान जाएगी तो अपने आप उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। एक्शन उसमें क्या होगा?